दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम डिपार्टमेंट ने एयरपोर्ट से नाइजीरियन महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से 82 करोड़ की 5 किलो 88 ग्राम कोकेन बरामद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नकली नोटों का जखीरा मिला है। पुलिस ने पिकअप वाहन से 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट पकड़े। आरोपी गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में गोकशी की घटनाओं का खुलासा। गो हत्या के आरोप में बजरंग दल नेता समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जांच पड़ताल में खुलासे के बाद यह कार्रवाई की। एबीपी न्यूज की खबर का असर। एमपी के डिंडोरी में हॉस्टल वार्डन वंदना करचाम सस्पेंड। गर्ल्स हॉस्टल से 2 नाबालिग छात्राओं के लापता होने के बाद जानकारी देने में की थी देर। महाराष्ट्र के पुणे में गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला ऋषभ निगम गिरफ्तार। लखनऊ में रियल स्टेट ब्रोकर के तौर पर काम करता था। हत्या का आरोपी शक में की थी गर्लफ्रेंड की हत्या। कब मौसम का क्या हाल है जानेंगे 9 सेकंड न्यूज में। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जमकर बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जन्नत सा नजारा। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर। पर्यटकों ने जमकर मस्ती की। हिमाचल के कुल्लू में मौसम बदला। भारी बर्फबारी के बाद ठंड पड़ी। यातायात पर बर्फबारी का असर। वाहनों की आवाजाही में दिक्कत। शिमला कुल्लू के लिए अलर्ट जारी। हिमाचल के चंबा में बर्फबारी के बाद पहाड़ी का नजारा बदला। चारों तरफ चांदी सी चमक रही हैं पहाड़ियां। भारी बर्फबारी से मौसम में बदलाव। डलहौजी में उमड़ रही टूरिस्ट की भीड़। पहाड़ों की रानी शिमला में भारी बर्फबारी। सड़क और रास्तों से हटाई जा रही है बर्फ। बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद हैं। यातायात प्रभावित है। सीजन की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलान। हिमाचल के धर्मशाला में कई जगह बिछी बर्फ की चादर। हिमपात के बाद किसान और बागवानों के चेहरे खिले। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला के मैक्लोडगंज में बर्फबारी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन का फैसला। इलाके में स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का फैसला। बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद। बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के मिनी स्विट्जरलैंड खजियार में भारी बर्फबारी। चंबा के पास खजियार में पहाड़ों पर बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। लुत्फ उठाते नजर आए टूरिस्ट। पहाड़ों की रानी शिमला में लगातार बर्फबारी। नवार घाटी में बर्फ की मोटी चादर। तापमान में भारी गिरावट। बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद। बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कई इलाकों में जमी बर्फ की मोटी चादर। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी। पुंछ के पहाड़ी क्षेत्र में 5 इंच तक बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बीच यात्री ट्रेन से सफर कर रहे हैं। सफेद वादियों के नजारे का आनंद उठा रहे हैं पर्यटक। बारिश और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जमी बर्फ। जम्मू श्रीनगर हाईवे को किया गया बंद। चट्टाने खिसकने भूस्खलन के चलते परिवहन विभाग का फैसला। बर्फबारी के बीच लद्दाख के लेह में ट्रांस विदर कार्निवल जश्न फतेह का शुरुआत किया गया। विंटर कार्निवल का जमकर लुत्फ उठा रहे टूरिस्ट। भीषण ठंड में भी उत्साह। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले। बर्फबारी के चलते मसूरी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से देवदार के बड़े पेड़ गिरे। पेड़ की चपेट में आई कई गाड़ियां। नुकसान पहुंचा उन्हें। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज। गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। बर्फ में स्लेज राइडिंग का भी आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी से पर्यटक और कारोबारी दोनों के चेहरे खिले। आइए अब वक्त है विदेश और खेल जगत से जुड़ी खबरों का। आज से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खेला जाएगा इंडिया इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच। हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को हार मिली थी। इंग्लैंड 1-0 से आगे है। हैदराबाद टेस्ट मैच में खेलने वाले रविंद्र जडेजा, केएल राहुल दूसरे टेस्ट मैच में इंजरी की वजह से बाहर हैं। टीम इंडिया में रजत पाटीदार, सरफराज खान का डेब्यू हो सकता है। इंग्लैंड ने अपनी टीम में जेम्स एंडरसन को, मार्क वुड और जैक लीच की जगह शोएब बशीर को शामिल किया है। और गेंदबाज मार्क वुड पहले टेस्ट में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।